शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जग नारायण ने गोलघर काली मंदिर रोड पर सड़क के किनारे गिरा हुआ एक पर्स पाया, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजात सहित 15,000 रुपए नगद उस पर्स में था। ईमानदारी का परिचय दिखाते हुए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जग नारायण ने जब पर्स के स्वामी में संपर्क साधा तो पता चला कि गुमशुदा पर्स सुरेंद्र प्रसाद नाम के आरक्षी की है, जो लखनऊ में कार्यरत है। किसी कारणवश गोरखपुर आया था और गोलघर से गुजरते समय उसका पर्स गिर गया। सूचना मिलते ही सुरेंद्र प्रसाद यातायात कार्यालय पहुंचा और गुमशुदा पर्स को पाकर खुश हुआ। पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा की मौजूदगी में सुरेंद्र प्रसाद को ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जग नारायण ने पर्स वापस किया। पर्स में जो भी सामान था वह यथावत पड़ा हुआ था। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर की ईमानदारी की सराहना किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा, आरक्षी चालक सुरेंद्र प्रसाद और ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर जग नारायण ने कहा। हाँ, हमारा पर्स गिर गया था, यही जो काली तो दवा करा के पैसा अरे ठीक है वो पैसा अरे चंद रख दीजिए मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। मैं पुलिस लाइन MT लखनऊ में तैनात हैं और मेरा घर साजनवा गोरखपुर में पड़ता है। मैं वाइफ को लेकर के दवा कर छुट्टी कल आया था और आज घर ले गया था सिकर अस्पताल में दवा कराने के लिए। दवा करा करके वापस आ रहे थे तो मेरा पर्स जो है भारत पेट्रोल पंप पर तेल भराने के बाद ही और यह काली मंदिर और पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट नगर जब पहुँचे मुझे पता चल गया कि मेरे पर्स नहीं है। तो मैंने वापस भारत पेट्रोल पंप गया, तब तक साहब का टेलीफोन आ गया कि पर्स हमारे पास है और पूरी जानकारी उन्होंने लिया कि कोई दूसरा है कि हम ही हैं स्वयं। तो मेरे ID कार्ड के अनुसार इन्होंने बात किया, मैंने सही सही जवाब दिया तो साहब ने बताया कि आ जाइए आपका पैसा और पर्स मिला हुआ है। तो जिसके अनुसार मैं जिस पते के अनुसार मैं आया और मुझे सभी पैसे सभी ID कार्ड सब सुरक्षित इन्होंने वापस कर दिया 15,000 के लिए। आज इनका रिटायरमेंट है और साहब ने जो पेश करके जा रहे हैं एक पुलिस के लिए बहुत बड़ी सीख है और पुलिस महात्मा को इस तरह से कार्य करते हुए ही पेंशन या रिटायरमेंट होना चाहिए। ईमानदारी का जो जनता के लिए एक जनता के लिहाज से बहुत अच्छा पेश जाएगा। जी हाँ, इसके लिए भैया ईमानदारी क्या, मैं तो जा रहा था पर्स मिला, इसमें एक दो आदमी को बुला करके दुकानदार के सामने पर्स पैसे गिनवाया। इसके बाद इनके कार्ड वोड देख करके मैं जांच किया और पता चला तो इनको इन्फॉर्म किया कि भैया आपके पैसा हमारे पास है, वह सुरक्षित है, आप आइए। इन्होंने आया, इनको गिन करके पैसा दिया गया। तो आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था कि हम लोग सभी लोग चेकिंग करें, उसी चेकिंग के अनुक्रम में इन्होंने एक इनको पर्स मिला। पर्स में 15,000 लगभग रुपए थे तो, और पर्स में संबंधित व्यक्ति का ATM कार्ड और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सभी कुछ था उसमें। तो उसके आधार पर उसका पता देख के इनके द्वारा फ़ोन किया गया और फ़ोन करने के बाद उनको उसके रुपए वापस किए गए। हाँ, ये आज उनका मतलब आज रिटायरमेंट का है, मतलब सर्विस का अंतिम दिन है यहाँ पर, लेकिन वो अंतिम दिन में भी जो है अच्छे कार्य करने से नहीं चूके। वो शुरू से परिश्रमी हैं और अपने कार्यों के प्रति पूरे मनोयोग से काम करते हैं तो आज भी उन्होंने अपना काम किया है।